तो हेलो तुम लोग गाइस, कैसे हो तुम लोग? वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ माइंड ऑफ सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 2। तो जैसा कि तुमने पिछले भी एपिसोड में देखा था कि मैंने बनाया था आयरन का आर्मर और कुछ नहीं, तो आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ ऐसा जो सबको चाहिए होता है, वो है एक घर। तो आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक ब्यूटीफुल सा घर जो मेरे रहने के लिए होगी। वैसे घर तो रहने के लिए ही होता है। तो गाइस, घर बनाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें लगेंगी, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है, क्योंकि ये जो जगह है वो उतनी अच्छी नहीं है और मैंने इसे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है। तो फिर मेरे को देखने को मिला है कि ये एक बहुत बड़ा आइलैंड है जहाँ पे शायद मैं उतने सारे बिल्ड ना कर पाऊँ जो मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे सामान को मैं ले लेता हूँ, जो भी मेरे इम्पोर्टेंट सामान है, उसके बाद मैं ट्रैवल करने के लिए चला जाऊंगा। बहुत ज्यादा टाइम हो गया और मुझे अभी तक एक भी विलेज नहीं मिला है और एक अच्छा लोकेशन नहीं मिला है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा चीज बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया तो फिर मुझे बहुत सारे चीजें मिल चुके हैं और ये सारी चीजें तो मेरे घर बनाने के लिए इनफ होगा। तो गाइज, मुझे फाइनली यहाँ पे विलेज मिल चुका है और गाइज शायद वहाँ पे वो पिंक वाला बायोम है, पता नहीं क्या नाम है उसका। ये विलेज तो लगता है बहुत ज्यादा बड़ा है और साइड में तो एक हिल भी है जहाँ पे मैं अपना घर बना सकता हूँ इजीली। बहुत ही ज्यादा अच्छा है बात है। ये विलेज तो मस्त है यार, यहाँ पे तो सारे रिसोर्सेस आराम से मिल जाएंगे। इस विलेज में एक ब्लैकस्मिथ रहेगा तो मजा ही आ जाएगा। पूरे विलेज में तो एक भी ब्लैकस्मिथ नहीं दिखा और ऊपर मुझे घर दिख रहे हैं थोड़े बहुत। चलो ऊपर जाके ब्लॉक्स की मदद से ऊपर चढ़ने का कोशिश नहीं, ब्लॉक की मदद से ऊपर चढ़ ही जाएंगे। तो अब ऊपर चढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अरे यहाँ पे तो और हाइट में घर है यार, मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि मैं सबसे टॉप में आ चुका हूँ अभी इस विलेज के, और हिल में सबसे टॉप में आ चुका हूँ। और अभी देखते हैं यार, यहाँ तो और घर है, जल्दी जल्दी से यहाँ पे भी जाके देखते हैं। जल्दी से ऊपर चलते हैं क्योंकि ऊपर ब्लैकस्मिथ का घर है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लूट को देखने के लिए। सबसे पहले हम लोग दरवाजे को खोलते हैं और अब हम लोग इस चेस्ट को खोल के देखेंगे। इसमें तो डिसेंट सा लूट है। चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक हेलमेट मिल गया है, फिर चेस्ट प्लेट और पिकेक्स मिल गया। अब जल्दी जल्दी से हम लोग अपने घर बनाने के लिए एरिया ढूंढेंगे। 5 minutes later. Finally guys, मुझे यहाँ पे अपना बेस्ट और बहुत ही ज्यादा सिंपल और प्लेन एरिया मिल चुका है अपने घर बनाने के लिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर सबसे पहले यहाँ पे एक प्लेन एरिया भी है और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे माउंटेन मिल गया है और मेरा घर भी माउंटेन से ही इंस्पायर्ड है। और गाइस सच बताऊँ तो बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही क्यूट घर बनने वाला है, क्योंकि ये जो नए वाले बायोम के वुड्स है ना, उसी से मैं इस्तेमाल करके अपना घर बनाने वाला हूँ। अब जल्दी जल्दी से थोड़े बहुत जो डर्ट है उनको प्लेन कर देते हैं। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पे फाइनली अपना पूरा डर्ट, मतलब जो भी फालतू का डर्ट था, वो सारा का सारा प्लेन कर दिया एरिया को। और अब जल्दी जल्दी से जो भी हमारे पास सामान है उसको चेस्ट में रख देते हैं। ये निकाला चेस्ट और इन सारी चीजों को हम लोग चेस्ट में रख देते हैं। पहले इनको भी प्लेस कर लिया। तो फिर मुझे सबसे पहले यहाँ पे मेन एंट्रेंस बनानी है, तो पहले मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत डिगिंग करनी पड़ेगी। तुम लोग भी ऐसा ही घर बनाना चाहते हो तो तुम लोग मुझे भी देख सकते हो कि मैं कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ स्टेयर्स ले लेता हूँ और एक और बार मैं थोड़ा सा क्राफ्ट कर लेता हूँ। और अब मुझे चाहिए ट्रैप डोर और थोड़े बहुत मुझे स्लैब्स भी चाहिए होंगे। और गाइस मैं तुम्हें बताने ही भूल गया कि तुम लोग को डिग करना है कुछ इस तरह, 3x3 का होल डिग करना है, फिर यहाँ कोने में इस तरह स्टेयर्स लगा लेने। ये चारों कोनों में स्टेयर लगाने के बाद तुम लोग को यहाँ पे ट्रैप डोर लगा देना है। वेट, ये तो गलत लग गया। इतना सब करने के बाद मैंने यहाँ पे दो लगा दिए हैं, यहाँ पे चॉप करके लॉग, उसके बाद स्टोन के वॉल लगाए हैं और उसके ऊपर लगा दिया है वुड का फेंस। फिर अंदर से मैंने लगा दिए पिंक
वाले लीव्स और उसी के आगे में लगा दिया है डोर। और अब तुम्हें फेंस के डायरेक्ट ऊपर तुम्हें लगाना है एक स्लैब, और फिर उसके बाद तुम लोग को उसके भी ऊपर लगाना है। कुछ इस तरह करने के बाद तुम्हारा फुल एक्सटीरियर बन के रेडी। और हाँ, अगर तुम लोग को इंटीरियर को डिजाइन करना है तो वो तुम लोग खुद के माइंड से भी कर सकते हो। इंटीरियर बनाने के लिए मुझे बहुत सारे ब्लॉक को माइंड करना है, तो जल्दी जल्दी से उसे भी कर लेते हैं। और हाँ, एंजॉय द टाइम लैप्स। बहुत रॉयल वाली फीलिंग आ रही है। तो गाइस, आज के वीडियो को वेट ये कैसा हुआ